ब्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर मेकअप एंड ब्यूटी एजुकेटर अपर्णा तनवर, और यहाँ इस चैनल पर हम ढेर सारी मेकअप और ब्यूटी के टिप्स देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए इजी हो सके आपका मेकअप करना, आपकी ब्यूटी को संवारना। और इसी लिए आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है कि ड्राई स्किन के लिए प्लीज़ मॉइस्चराइज़र बताइए, क्रीम बताइए जो हम अपनी ब्राइड्स पर यूज़ कर सकते हैं या पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे पास जो अवेलेबल है, जो मैंने खुद ट्राई किए हैं, वो कुछ मॉइस्चराइजर क्रीम्स यहाँ मेरे पास रखी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, उन सबका रिव्यू देने वाली हूँ। और इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, ये बात उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आप देखकर समझ ही गए होंगे, अब तक इंट्रोडक्शन आपको मिल ही गया होगा कि मैं किस तरीके की वीडियोस यहाँ इस चैनल पर आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। सो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अवेल करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू मेकअप एंड ब्यूटी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आप तक मेरी सारी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी मेरे चैनल की कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कब पोस्ट कर रही हूँ। सो उसके लिए आपको साइड वाला जो बेल बटन है वो ज़रूर दबाना पड़ेगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, दैट इज़ तनवर अपर्णा। और किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कुछ भी बात करना चाहते हो, सो वो भी आप जो है मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ उन क्रीम से, उन मॉइस्चराइज़र से जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव हैं और आप जो हैं मतलब अपनी जो ब्राइड्स होती हैं उन पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास है द फेस शॉप की ये चिया सीड की जो क्रीम है, दिस इज़ वेरी गुड। आपकी कितनी भी ड्राई स्किन हो, आपकी कैसी भी स्किन हो, उस पर इतने अच्छे से वर्क करती है और एकदम जो है आपको इंस्टेंटली ड्राई स्किन को एकदम कवर अप कर देती है। ये आपके आपको कोई पैचीनेस नज़र नहीं आएगा अगर आप मेकअप कर रहे हैं, आपकी ब्राइड है या आप अपना पर्सनली भी मेकअप कर रहे हैं, सो उसके लिए भी ये बेस्ट है। मतलब ये क्रीम, दिस इज़ अ वेरी बेस्ट क्रीम जो मैंने अब तक देखी है, आपको इंस्टेंट मॉइस्चराइजर हाइड्रेशन देती है। दिस वन इज़ रियली गुड। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट आई थिंक अगर आप जो है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो डेफिनेटली इसे बाय कीजिए, और अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, अगर ले सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, आप लीजिए। बाकी के लिए आपके पास होनी चाहिए नेक्स्ट क्रीम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द फेस शॉप। द फेस शॉप की जो क्रीम्स हैं, जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट होते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। सो दिस इज़ द कैलेंडुला मॉइस्चराइजर क्रीम, दिस इज़ रियली हाइड्रेटिंग, बिल्कुल जस्ट लाइक इसकी तरह काम करती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 2000 के नियर अबाउट ये है प्राइस जो है, मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दे रही हूँ। और ये जो है आपको 1000 रुपीज़ में मिल जाएगी और सेम कुछ वर्क करती है, लिटिल बिट चेंज है बट अगेन दिस इज़ वेरी वेरी गुड मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि आप डेली यूज़ में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिफोर मेकअप भी आप इसको लगा सकते हैं, और एक अच्छा सा मतलब आपको ग्लो देता है जब आप ये अप्लाई करते हैं अपने स्किन पर। सो मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी, जो भी लोग ये चिया सीड वाली क्रीम नहीं ले सकते हैं वो ये ज़रूर लें, ये 1000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो नायका पर आपको ऑफ़र्स मिलते रहते हैं, आप चाहे तो वहाँ से सस्ते जब ऑफ़र्स निकलते हैं तब आप जो है इन क्रीम्स को बाय कर सकते हैं, सो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आई लव बोथ द क्रीम, आप कंसिस्टेंसी अगर देखेंगे तो दोनों की ऑलमोस्ट सेम कंसिस्टेंसी है, थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क आपको लगेगा, ये थोड़ी सी थिकर है और ये जो है थोड़ी सी आपको रनी कंसिस्टेंसी में मिलेगी, बट दोनों ही बहुत अच्छा वर्क करती हैं। ऑल राइट, इस लिस्ट में नेक्स्ट नंबर है एम्ब्रोलिस क्रीम का, जो कि काफ़ी सारे जो मेकअप आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, इस क्रीम को यूज़ करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो गई थी तो इसका नाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, और उस वीडियो में मोस्टली लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आप प्लीज़ क्रीम का नाम बता दीजिए, प्लीज़ क्रीम का नाम बता दीजिए। ये आप अपने सुप्रा डर्मा में भी मिक्स कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड क्रीम, आप इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं, आप एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ आई कॉल्ड मल्टीपर्पज़ क्रीम, जो कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एम्ब्रोलिस क्रीम जो आपको नायका पर मिल जाएगी, और आई थिंक सो जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको और दूसरी साइट्स पर भी मिल जाएंगी, लाइक
अमेजोन पे भी। सो अगर आपको ये मिल रही है 1000 रुपीज में, ये 1000 रुपीज की है, सो इट्स नॉट अ बैड डील। और नायका पर आप जानते हैं ऑफर्स निकलती रहती हैं, और मे भी शायद आपको अमेजोन पर भी कभी ऑफर में मिल जाइए, सो आप वहाँ से ले सकते हैं। नायका से अगर आप बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर आप जाकर स्टोर पर नहीं ले सकते हैं तो। दिस इज़ वेरी गुड क्रीम फॉर ड्राई स्किन पीपल, आप रात में भी इसको लगा सकते हैं, जैसे मर्जी इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज रियली गुड क्रीम। ऑल राइट, इस लिस्ट में मेरे पास यहाँ पर एक मॉइस्चराइजर है, दिस इज़ फ्रॉम अर्थ रिदम, पाइथोसेरामाइड जो है ये काफ़ी अच्छा है, ब्लू वाला। ये मैंने अभी लेटेस्टली यूज़ करना शुरू किया है और आई फाउंड जो ड्राई स्किन है उसको एकदम हील कर देता है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है ये। और जो इसकी पैकेजिंग है, आई लव द पैकेजिंग, जो ग्लास बॉटल ये है, और आपकी कुछ कंसिस्टेंसी इसकी इस तरीके की है अगर आप देखेंगे तो, और काफ़ी अच्छा जो मॉइस्चराइज़र है ये आपके स्किन को काफ़ी अच्छा लाइक हाइड्रेट कर देता है। द सेकेंड थिंग, आपको कभी भी जो है मतलब ये स्टिकी नहीं लगेगा लगाने के बाद, चिपकेगा नहीं, चिपका नहीं होती है इसमें, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होती है, वो इसमें नहीं होता है। और शाइन जो है वो ऐसी शाइन नहीं होगी जैसे बहुत सारी मतलब मॉइस्चराइजर्स में अजीब सी शाइन मिलती है, उस टाइप की शाइन नहीं है। बट येस, दिस इज़ रियली अ गुड मॉइस्चराइजर, और ड्राई स्किन वाले लोग जो है ये यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ रियली वेरी गुड। मेरी तो आजकल ये फेवरेट है, मैं इसको अपने स्किन केयर में यूज़ कर रही हूँ, नाइट में, डे में, किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिफोर मेकअप भी इसको लगा सकते हैं, एंड एज अ प्राइमर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई फाउंड आपको कहीं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना हो, आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट लाइट मेकअप करना हो, तो उसके लिए आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, आप ये ले सकते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड है, दिस इज़ सेंट बोटैनिका, इसका विटामिन सी सीरम, विटामिन सी नाइट क्रीम और विटामिन सी का ये मॉइस्चराइजर मैं कॉन्टीन्यूसली यूज़ करती हूँ, मेरे पास हमेशा मेरे पास स्टॉक में भी रहता है, कभी अगर ख़त्म हो जाए तो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक रहता है। और अगर सीरम की बात करूँ उसके विटामिन सी सीरम की, तो मैं ऑलरेडी 4-5 बॉटल जो है वो फिनिश कर चुकी हूँ। ये मॉइस्चराइजर की भी मेरी सेकेंड बॉटल है, और नाइट क्रीम की आई थिंक सो थर्ड बॉटल है। सो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेरे पास हमेशा रहते हैं, लाइक इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा इन तीनों से जो मेरे पास हमेशा रहेगा, कुछ भी हो ये बहुत अच्छा है। इसमें सेकंड थिंग, इसमें SPF जो है आपको काफ़ी हद तक जो है जो आपको एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ता, जब आप सीरम लगाते हैं आप इसको जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरी जो बॉटल है ये ऑलरेडी पूरी फिनिश हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं पूरी फिनिश हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ एकदम थोड़ा सा जो है वो बचा है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी यूज़ करती हूँ, मेकअप से पहले भी मैं इसको लगा लेती हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत जो है फ्लैशबैक से आप ओके हैं तो, क्योंकि इसमें हल्का सा लिटिल बिट वाइट कास्ट है, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखाना चाहूँगी यहाँ पर अपने फेस पर, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में ये यूज़ भी किया है, स्टिल मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी जो है कुछ ऐसी है, ठीक है थोड़ी सी, बट ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ, और आप देख रहे हैं एंड इट स्मेल अमेजिंग, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ढेर सारे ऑरेंजेस आपके पास रखे हुए हैं, और मतलब इट स्मेल्स सो अमेज। और आपकी जितनी भी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन को कवर अप कर देगा ये मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा है, विटामिन सी का ये मॉइस्चराइजर है। हल्का सा आपको कभी कभी लगेगा कि ये वाइट कास्ट दे रहा है, बट दैट्स टोटली ओके, एंड आप मेकअप के नीचे भी इसको जो है वेयर कर सकती हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू, इतना ज़्यादा वाइट कास्ट इसमें नहीं है। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस मॉइस्चराइजर फॉर योर ब्राइड्स ऑल्सो, आप अपनी ब्राइड्स को भी लगाएंगे तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। आप इसको डे में यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, स्पेशली जो सीरम्स हैं आप सीरम्स के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको SPF का एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ेगा, ये मॉइस्चराइजर के साथ आपका SPF जो है अप्लाई हो जाएगा। सो इट्स माई फेवरेट मॉइस्चराइजर, सो आई हाईली रिकमेंड दिस मॉइस्चराइजर।
सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फ्रॉम लोटस ऑर्गेनिक. ये एक सीरम प्लस क्रीम प्रोडक्ट है और ये काफ़ी अच्छा है. ड्राई स्किन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है. आपको इसमें सीरम भी मिल रहा है एंड क्रीम भी मिल रही है जो ब्राइड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. थोड़ा एक्सपेंसिव है ये मैं मानती हूँ, बिकॉज इसका साइज़ देखे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली ये, बट बहुत अच्छा है और ड्राई स्किन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा. इसका ट्रांसपेरेंट एक तरीके का जेल टाइप कंसिस्टेंसी है इसकी, अगर आप देखेंगे तो वाइट नहीं है. और अगर आप, मैं यहाँ पर आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए एकदम इंस्टेंट जो शाइन देता है ये, आई लव दिस शाइन. अगर आपको अपने मेकअप के अंडर इसको लगाना है सो आपको एक अच्छी सी शाइन देगा, आपके फाउंडेशन में शाइन आएगी. सो दिस इज़ रियली वेरी गुड. और ये जो है आप जो ड्राई स्किन के लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये वाला. आपको एक्स्ट्रा स्टेप नहीं इसमें यूज़ करने पड़ेंगे. सो आप शाइन और आप शाइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी शाइन ये देता है. सो काफ़ी अच्छा है, ड्राई स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं इसको और आप इसको मेकअप के अंडर भी यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, ये जो क्रीम है ये सबसे सस्ती क्रीम है, ये सबसे इकोनॉमिक क्रीम है. ऑलराइट, दिस इज़ फ्रॉम शेरल्स कॉस्मेटिक्स और ये जो है एक्टिव ब्लेंड इनकी क्रीम है जो बहुत अच्छी है, सबसे इकोनॉमिक है. 180 इसका प्राइस है और मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि आप इसको जो है हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं. मैं बार बार मेकअप से पहले इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को वो क्रीम्स बता रही हूँ जो कि मल्टीपर्पज़ है. लाइक आप एज अ मेकअप से पहले भी CTM में इसको, इन क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने स्किन केयर में भी इन क्रीम्स को यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी इकोनॉमिक है, 180 का प्राइस काफ़ी अच्छा होता है और नायका पर जब ऑफर्स निकलती हैं तो और थोड़ा सा आपको सस्ते में मिल जाएगा ये. सो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगी जिनकी ड्राई स्किन है वो लोग ये ले सकते हैं. आप वॉक को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्रीम्स नहीं चाहिए, सो गो फॉर दिस. दिस इज़ रियली गुड और ये हाईली रेकमेंड दिस क्रीम फॉर ड्राई स्किन पीपल. नाउ लास्टली, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कोई क्रीम नहीं है. दिस इज़ शिया बटर, बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे इतना पसंद है. दिस इज़ मल्टीपर्पज़ क्रीम आप कह सकते हैं या इसको स्किन सॉल्व कह सकते हैं. दिस इज़ फ्रॉम बेला विटा ऑर्गेनिक. ये इतना अच्छा है, मल्टीपर्पज़ है क्योंकि आप इससे जो है आप अपनी लिप्स पे लगा सकते हैं, फेस पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने बॉडी के और पार्ट जैसे आपके नी हैं, आपका एल्बो है और आपके जो हैंड्स हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और इसका एक और बहुत अच्छा यूज़ है, आप इसको मेकअप में एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. जी हाँ, ये शिया बटर है और इसमें कुछ ऑयल्स भी मिक्स है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगी ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगता है. बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा लिया. बट अगर आप मेकअप से पहले लगा रहे हैं तो आपको जस्ट इस, ये देखिए बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि ये कोकोनट ऑयल जैसा लग रहा है. अगर आप मेकअप से पहले इसको एज अ प्राइमर लगाएं तो आपको बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी चाहिए. एंड आप जो है, मैं अपने इस साइड फेस पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ ये, और आपको बिल्कुल प्राइमर की तरह ही इसको अप्लाई करना है. आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है ये. आपको इस तरीके से डैब डैब करते हुए इसको अप्लाई करना है एंड देन जो है इस तरीके से आप अपने फेस पर ड्राई कर सकते हैं. एंड बिलीव मी, बहुत अच्छा वर्क करता है. आप अपने डर्मा सुप्रा के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको ऑयली नहीं लगेगा ये. मुझे तो ये इतना पसंद है, लाइक आप, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जो लोग बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव प्राइमर या फाउंडेशन के साथ क्रीम्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो जस्ट गो फॉर दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ रियली अमेजिंग प्रोडक्ट और मल्टीपर्पज़ है. सो लाइक मैंने इसे एक वीडियो और बनाई थी इसकी और उसमें जो है मैंने इस ही एक प्रोडक्ट से अपने टिंटेड लिप बाम्स बनाए थे, वो बहुत अच्छे थे. आप इसमें थोड़े से लिपस्टिक मिक्स करके टिंटेड लिप बाम भी बना सकते हैं अपने घर में, पूरी सर्दी आपका इजीली जो है निकल जाएगा. और आपका एक ये टब काफ़ी है जो है, पूरी सर्दी आपकी आराम से निकल जाएगी अगर आप सिंगल यूज़ के लिए ले रहे हैं तो. ये देखिए आप इस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इसको एज अ प्राइमर, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है और आपका मॉइस्चराइजर टाइप ही ये हो जाता है और प्राइमर का भी काम करता है. और आपका जो बेस है जो काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर ग्लाइड कर जाता है और इजीली अप्लाई हो जाता है. सो ये मुझे बहुत पसंद है, ये आप लोग ले सकते हैं बेला विटा का स्किन सॉल्व. और इसका प्राइस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है,
आई थिंक 325 इसका प्राइस है और आपको ऑफर्स जो है वो निकलते रहते हैं, बेला विटा अपने प्रोडक्ट्स ऑफर्स में देती रहती है। सो ये जो कुछ मॉइस्चराइज़र मैंने आप लोगों को दिखाए, ये मेरी रिकमेंडेशन है जो कि मुझे पर्सनली फेवरेट है, मुझे पसंद है और मैंने काफ़ी टाइम इनको यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को इसका रिव्यू दिया है। मैंने अपने क्लाइंट्स पर इसका यूज़ किया है, अपने ऊपर काफ़ी यूज़ किया है, तब जो है आप लोगों को इनका रिव्यू दिया। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को मेरे लिए, और देखते रहिए मेरी वीडियो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे शाम को ठीक 5 बजे। अभी जाने का वक्त हो गया है, आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।